दोस्तों हार के बाद अब तीसरे वनडे में गदर मचाने आ रही है भारत की नंबर वन ओपनिंग जोड़ी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से हार के बाद अब तीसरे वनडे में टीम इंडिया की एक ओपनिंग जोड़ी गदर मचाने आ रही है, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की रेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर करने के बाद अब यहां पर दोस्तों तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वनडे सीरीज में रही है वो है उसकी ओपनिंग जोड़ी। ओपनर खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में हमने देखा कि सुमन गिल रुतराज ने अच्छी शुरुआत की लेकिन उस शुरुआत को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उससे पहले हमने पहले वनडे मुकाबले में भी देखा था कि ईशान किशन और सुमन गिल की पारी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी और सुमन गिल एक बार फिर से जल्दी आउट होकर पवेलियन चले गए थे। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर यह है कि उसकी ओपनिंग जोड़ी चल ही नहीं रही है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सुझाव निकल कर आए हैं, कुछ ऐसी एक ओपनिंग जोड़ी बनकर आ रही है जो कि भारतीय टीम को कभी भी मैच जितवा सकती है। दरअसल दोस्तों जिस जोड़ी की हम बात कर रहे हैं वो जोड़ी काफी खतरनाक जोड़ी है और वो कभी भी मैच को अपने पक्ष में पलट सकती है। दरअसल हम जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं उसमें नंबर 1 पर नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा उस खिलाड़ियों में से हैं जो कि ओपनिंग के लिए भारतीय टीम के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं और इस मुकाबले में भी उनको एज अ ओपनर टीम इंडिया ट्राई कर सकती है। वहीं दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि रोहित के साथ और किसी को नहीं बल्कि विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए। जिस तरीके से विराट कोहली आईपीएल में ओपनिंग करते नजर आए हैं उससे भारतीय टीम को काफी फायदा हो सकता है अगर वो भारतीय टीम के लिए वो ओपनिंग करे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विराट कोहली को एक बार फिर से ओपनिंग करनी चाहिए रोहित शर्मा के साथ? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।